ईरान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार मॉरल पुलिसिंग को लेकर झुक गई है। 2.5 महीने के प्रदर्शन जिसमें 300 से ज्यादा जाने भी गई, अब ईरान सरकार ने मॉरलिटी पुलिस को भंग कर दिया है। इस पुलिस को लेकर ईरान की महिलाओं का गुस्सा तब आसमान पर पहुंच गया जब 22 साल की महसा अमीनी की कस्टडी के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस का काम तो समझ में आता है, लेकिन ईरान की ये मॉरलिटी पुलिस क्या है? नमस्ते, मैं अंशुल हूँ, आप हैं मंच पर। मॉरल पुलिस या गश्त ए इरशाद ये एक तरीके की पेट्रोलिंग पुलिस है जो ईरान के इस्लामी कानूनों और पहनावे के रूल्स को हर हालत में लागू करने पर फोकस करती है। ये महिलाओं के पहनावे पर पैनी नजर रखती है कि किसी महिला ने टाइट कपड़े पहने या उनकी आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई है या वो कटी फटी जीन्स तो नहीं पहने। अगर कोई महिला इस तरह से कपड़े पहने पकड़ी गई तो ये मॉरलिटी पुलिस सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगाती बल्कि गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर में डाल सकती है, जहां पर महिला को पहले तो हिजाब और इस्लामी वैल्यूज पर लेक्चर दिया जाता है और उसे तब छोड़ा जाएगा जब महिला के घर से कोई सही कपड़े लेकर आता है। ये पुलिस भले ही ढीले कपड़ों और हिजाब के चक्कर में महिला को पकड़े, लेकिन डिटेंशन सेंटर ले जाते वक्त वो महिला के कपड़े फाड़ सकती है और मारपीट भी कर सकती है। ये बात महसा अमीनी केस से साफ हो गई है। 90 के दशक में ईरान इराक वॉर के बाद मॉरलिटी पुलिस कोई अलग फोर्स नहीं थी, लेकिन इस्लामी क्रांति की शुरुआत के समय जब ड्रेस को लेकर महिलाओं को सताना और दबाना शुरू किया गया तो इसे रोकने के बजाय महिलाओं का सिर ढकना कंपलसरी कर दिया गया, जहां से इस सब की शुरुआत हुई। क्योंकि इससे पहले शाह पहलवी के शासन में महिलाओं की आजादी के मामले में ईरान आजाद ख्याल देश था। इसके बाद साल 2000 में महमूद अहमदीनेजाद राष्ट्रपति बने तो कपड़ों को लेकर नियम और भी सख्त कर दिए गए। साल 2006 में अपने शासन काल में ही मॉरलिटी पुलिस यानी गश्त ए इरशाद यूनिट बना दी। लेकिन साल 2013 में हसन रूहानी जब सत्ता में आए तो महिलाओं को ढीले कपड़े व टाइज जीन्स में देखा जाना आम हो गया। लेकिन समय फिर पलटा, साल 2021 में इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति बने तो नियम पहले से भी और कठोर हो गए। रईसी ने इस पुलिस की संख्या को और बढ़ाने का फैसला किया और इसी साल जुलाई में सभी इंस्टीट्यूशन में हेड स्कॉफ कानून लागू करने का आदेश दे दिया। इसमें रंगीन हेड स्कॉफ पर मनाही हो गई, हिजाब में सिर न दिखने पर जोर दिया गया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मॉरलिटी पुलिस को सही तरीके से कपड़ों के नियम का पालन न करने वालों को हिरासत में लेने की आजादी भी दे दी। अमेरिका ने 23 सितंबर को इस पुलिस को ब्लैकलिस्ट कर दिया और कहा कि ये पुलिस महसा अमीनी की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस पुलिस के पास कोई खास गाइडलाइन तक नहीं है, इसके अधिकारी खुद तय कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मॉरलिटी पुलिस की कस्टडी के दौरान जब सितंबर 2022 में 22 साल की महसा अमीनी की मौत हो गई तो महिलाओं ने हिजाब जलाए, अपने बालों को काटकर लगातार विरोध किया, जिसके बाद 4 दिसंबर को ईरान सरकार इस पुलिस को भंग कर दिया है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद जफर मोंतेजेरी ने एक धार्मिक सम्मेलन में कहा कि इस पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यवस्था जिस तरह बनाई थी उसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसका कंट्रोल गृह मंत्रालय के पास था, ना कि न्यायपालिका के पास। हालांकि इस बयान के बाद ईरान की कानून लागू करने वाली संस्था ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है हमारी साथी मंचकार पूनम ने। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।